हेलो गाइस नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं मुत्ता मैरिज के बारे में, जो कि मुस्लिम लोग के अंदर बताया गया है। पहले हम जान लेते हैं कि मुस्लिम लोग में कहाँ है। मुस्लिम लोग के चार टाइप बताए गए हैं मैरिज में, कि मुस्लिम लोग में चार टाइप होते हैं मैरिज के। पहला है वैलिड, दूसरा है वॉइड, तीसरा है इरेगुलर और चौथा है मुत्ता। तो आज हम कवर अप करेंगे मुत्ता मैरिज के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा सिंपल है। जो मुत्ता मैरिज होता है उसका मतलब होता है एक ऐसी मैरिज जो टेम्पररी एग्रीमेंट पे बनी हो दोनों पार्टीज के सहमति से, कि भाई इन्होंने छोटा सा एक एग्रीमेंट बना दिया, कि कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि भाई हम दोनों शादी करेंगे 2 महीने 3 महीने या फिर 1 साल या फिर कुछ दिनों के लिए। तो ये होता है मुत्ता मैरिज, जो एक टेम्पररी होता है, ठीक है ना। जो मुत्ता मैरिज होता है उसमें कोई टाइम लिमिट डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि भाई इसमें जो मैरिज है वो 3 महीने तक रहेगी, 4 महीने तक रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भी रह सकती है, 2 दिन भी रह सकती है, 1 साल भी रह सकती है, ठीक है। एक इसमें ये बताया गया है कि जो मुत्ता मैरिज है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी जैसे ही उनका एग्रीमेंट जो हुआ है वो उसमें लिखा होगा कि हमें 2 महीने बाद हमारी मैरिज खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही वो एग्रीमेंट के 2 महीने होंगे इनकी मैरिज अपने आप खत्म हो जाएगी। बट अगर एक ऐसा कंडीशन बनता है कि इन्होंने मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो उस मैरिज को परमानेंट मैरिज मान लिया जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैरिज है सीआर स्कूल में, एक आशिया स्कूल है उसमें ही बस इसको वैलिड माना जाता है, बाकी से कहीं नहीं माना जाता है। जो मुत्ता मैरिज है इसमें जो हमारा वाइफ है ना वो हस्बैंड से मेंटेनेंस वगैरह भी ले सकती है, कि भाई उसको खर्चे चलाने वगैरह लाइक शॉपिंग वगैरह के खर्चे वो उससे उठवा सकती है। और अगर हस्बैंड ये सब करने को मना करता है तो फिर वाइफ उसे छोड़ सकती है, वो मैरिज को वॉइड मैरिज कह दिया जाएगा अगर हस्बैंड अपने वाइफ के खर्चे उठा नहीं सका तो, ठीक है ना। और इस मुत्ता मैरिज में क्या कहते हैं दहेज भी ले सकता है हस्बैंड, अगर दहेज नहीं दिया जाता है तब भी ये मैरिज को वॉइड मैरिज कहा जाएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब ये है एक टेम्पररी एग्रीमेंट मैरिज जो कि छोटे टाइम के लिए रखा जा सकता है, थोड़े से बड़े टाइम के लिए रखा जा सकता है, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए इसमें, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना। और इसमें एक ये चीज है कि इसमें क्या कहते हैं वाइफ के उसको खर्चे उठाने पड़ेंगे हस्बैंड को, अगर नहीं उठाता है तो वॉइड हो जाएगा। एक ये है कि हस्बैंड को दहेज मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तब भी वॉइड हो जाएगा। और एक इसमें ये है कि अगर इन्होंने अपने इस मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में बनाते टाइम ये नहीं लिखा कि कितने टाइम पीरियड तक है तो फिर इस मैरिज को परमानेंट मैरिज मान लिया जाएगा,